उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिला में डी प्लान के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर कार्यकारी एजेंसी से जुड़ी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी फरवरी माह तक स्वीकृत कार्यों को अवश्य पूरा करें, ताकि भारत सरकार से डी प्लान के कार्यों हेतु और राशि की मांग की जा सके। डी प्लान का पैसा किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी की कमजोरी रही तो वह स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि गाँव में स्टेडियम व ई लाइब्रेरी की स्थापना जल्द से जल्द करवाई जाए। इस कार्य को अधिकारी प्राथमिकता पर लें। उपायुक्त शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में डी प्लान के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, कहीं पर भी कोई लापरवाही न बरते। प्रत्येक कार्य की फोटोग्राफी की जाए तथा जियो मैपिंग भी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो कार्य पूरा हो चुका है उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय को भिजवाएं तथा नए कार्यों की जल्द से जल्द साइट फाइनल करके कार्य को शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक सभी ब्लॉकों के एसडीओ या बीडीओ द्वारा स्वीकृत किसी भी कार्य की साइट फाइनल नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान नगर निगम व नगर पालिकाओं द्वारा करवाए जा रहे डी प्लान के कार्यों पर संतोष जाहिर किया और कहा कि शेष कार्यों को भी तेजी से पूरा करवाएं। उन्होंने ब्लॉक वाइज पंचायती राज के एसडीओ व बीडीओ से कार्यों की रिपोर्ट ली, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अधिकांश कार्य शुरू हो चुके हैं, शेष कार्य भी जल्द शुरू करवाकर उन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा करवा दिया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार ने बताया कि नॉट फीजिबल कार्यों की जगह नए स्वीकृत कार्यों की सूची ब्लॉक वाइज तैयार की गई है और संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए समय रहते सारी प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। उन्होंने उपायुक्त को अवगत कराया कि डी प्लान के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के लिए एक प्रफॉर्मा तैयार किया है, जिससे संबंधित अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भरी जाएगी और इस रिपोर्ट को आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी राजेंद्र सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी हिशम बुक्कल, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता परविंदर सिंह, नगर निगम की कार्यकारी अभियंता मोनिका शर्मा, सभी बीडीपीओ व नगर पालिका सचिव उपस्थित रहे।